हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ट्रेन? बाय बाय। कभी कभी ऐसे काम कर लेने चाहिए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं फिलिपिनी लोग के एरिया में आ गया हूँ। वन केटिंग में वन राइड, ये एक फिलिपिनी ब्रांड है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉच द वर्ल्ड ब्यूटी। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर बार मैं आपको कहीं ना कहीं लेकर के जाता हूँ एक नई जगह पे, तो आज हम जाने वाले हैं यहाँ पर कुवैत में ओल्ड सोक सालमिया में। कुवैत में जितने भी फेमस जगह है ना, उनमें से ये एक है। तो चलो चलते हैं ओल्ड सोक सालमिया और मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ। ओके, गाइस, सो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ओल्ड सोक सालमिया में। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे ना, बस स्टॉप यहाँ पर आपको पास में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर आना है ना, तो टैक्सी या बस आराम से यहाँ पर आने के लिए आपको मिल जाएगा। और मेरे पीछे ये रहा, मेरे पीछे ओल्ड सोक, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये रहा ओल्ड सोक। यहाँ पर पार्किंग का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है यार, काफ़ी अच्छा सिस्टम है पार्किंग का। तो यहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को आराम से पार्क कर सकते हैं। सो चलो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं आज का क्या सीन है। ओके, तो भाई लोग, यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री करेंगे ना ओल्ड सोक में, यहाँ पर आपको एंट्री करते ही यहाँ पर लोकल शॉप्स और मैकडोनल्ड्स मिल जाएगा। तो काफ़ी सस्ती मार्केटिंग यहाँ पर आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये रहा सामने मैकडोनल्ड्स, और ये यहाँ से ओल्ड सोक जो मार्केट है ना, यहाँ से स्टार्टिंग है। और सामने ही मुझे देखने में ही मिल रहा है कि छोटी छोटी लोकल शॉप्स लगे हैं, जहाँ पर आप अगर सस्ती चीज़ें खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लगा। ओके, भाई लोग, अभी हमने वहाँ से एंट्री की है। और ये मार्केट जो ओल्ड सोक मार्केट है ना, ये काफ़ी लंबी दूरी में बसी हुई है, पूरी स्ट्रेट करीब 2 किलोमीटर की रेंज में ये शायद बसी हुई है। ये स्ट्रेट पूरा वहाँ एंड तक गया हुआ है, तो वहाँ तक मैं अभी आपको लेकर के चलूँगा। तो मैं अभी यहाँ पर जैसे ही आया हूँ ना, तो ज़्यादातर यहाँ पर लोकल शॉप्स जो है ना, वही यहाँ पर मिल रही हैं, और रेस्टोरेंट जो है वो सब यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो देखते हैं, जो कुछ भी अभी आज मुझे यहाँ पर मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो भाई लोग, अभी यार मैं जब इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, तो ज़्यादातर मुझे फिलिपिनी लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं फिलिपिनी लोग के एरिया में आ गया हूँ, और भी दूसरी कंट्री के लोग मुझे मिल रहे हैं, लेकिन जो फिलिपिनी लोग होते हैं ना, वो लोग मुझे यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर ये देख लो, जैसे कि ये जो छोटी छोटी शॉप्स लगी हैं, स्टोर्स हैं, तो यहाँ पर जितने भी इसके ओनर हैं वो मुझे फिलिपिनी ही दिख रहे हैं, और जो कस्टमर हैं वो भी फिलिपिनी ऑलमोस्ट सारे दिख रहे हैं। तो भाई लोग, आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे ना, तो ये एक ट्रेन लगा हुआ है, छोटा सा बच्चों के लिए ट्रेन है। तो इसमें अगर आपको ट्रैवल करना है ना, तो 1 kg का इसमें चार्ज है, और वो आपको इसमें बैठा करके पूरी जो ओल्ड सोक मार्केट है ना, पूरा इसका एक राउंड लगवाएंगे 1 kg में। तो अगर आप यहाँ कभी भी आएँ, अगर मन करे तो इस ट्रेन में ट्रैवल आप कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अभी ये जो ट्रेन है ना बच्चों की, इसका मैंने यार टिकट लिया है, और मैं इसमें राइडिंग करने जा रहा हूँ। देखता हूँ यहाँ पर बैठने के बाद में क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है। बड़े हो गए लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे काम कर लेने चाहिए यार, अगर दिल करे तो। ओके, सो देखते हैं इसका ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ओके, चलो भैया। कभी कभी ऐसे काम कर लेने चाहिए। ओके, बहुत दिनों के बाद मैं इसी ट्रेन में बैठने जा रहा हूँ। लाइफ में पहले सिर्फ बड़ी ही ट्रेन होती है ना, उसी में बैठा हूँ। सारे लोग मुझे देखेंगे। 1 kg में 1 ride। बाय बाय। मुझे पता है यार कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चों वाले काम कर लेने चाहिए, क्योंकि ये सब करने से जो खुशी मिलती है ना यार, वो एक अलग ही लेवल की होती है, वो आप किसी के साथ में बयान नहीं कर सकते। और वैसे भी यार, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब कहाँ किस मोड़ पे एंड हो जाए, इसलिए जब भी जो भी मौका मिले उसे आप पूरा इंजॉय करो। अब मुझे ही यार देख लो कि मैं कितना खुश नज़र आ रहा हूँ इस बच्चों की ट्रेन में, जैसे किसी बच्चे का खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। तो मुझे यार कमेंट करके बताना कि अगर आपको कुछ ऐसा करने का मौका मिले तो आप क्या करना पसंद करेंगे, मुझे यार कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बहन जी हमको देख के यही सोच रही होंगी कि छोटे बच्चों की ट्रेन में ये बड़ा बच्चा कहाँ से आ गया। ओके गाइस, सो ये जो ट्रेन की राइड थी ना, वो डन हो गई है। काफी अच्छा लगा यार, 1 kg में राइडिंग करना कोई महंगा नहीं था, अच्छा था। और बचपन का यार थोड़ा जो बचपन था ना, बचपन का जो कीड़ा, वो कभी कभी कर लेना चाहिए यार ऐसी हल्के। ये जो ड्राइवर है ना इस ट्रेन के,
ये ड्राइव कर रहे थे ट्रेन, तो इनकी यही जॉब है, इनका डेली का यही काम है। तो ये भाई श्रीलंका के हैं, है ना? हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ट्रेन? न्यू? हाँ, तो ये नए हैं यहाँ पर, तो इनकी यही जॉब है। ओके, थैंक यू। तो अगर आप यहाँ पर ओल्ड सोक सालमिया में कभी भी आए ना, तो ये अगर आप राइड करना चाहें ना ट्रेन, तो राइड कर सकते हैं। ये खास करके बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर आप बड़े हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप राइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 KD इसका चार्ज है। ओके, तो भाई लोग ये जो एरिया है ना ट्रेन का, यहीं से आपको ट्रेन पकड़नी है अगर आपको राइडिंग करनी है ट्रेन में। उसके साथ ही यहाँ पर देखो बच्चे लोग जो है ये राइडिंग कर रहे हैं साइकिल की। तो इसका भी अगर आप यहाँ पर फैमिली के साथ में आते हैं तो बच्चे जो भी आपके साथ में रहेंगे ना, तो उनको यहाँ पर राइडिंग करा सकते हो। इसका चार्जेस 1 KD है। ओके गाइस, सो ये एक कबायन सुपर मार्केट है, हाइपर मार्केट है। तो ये एक फिलिपिनी ब्रांड है, तो इसके अंदर हम चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, सो इसकी एंट्री यहाँ से होगी, अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे। तो ये भी एक सुपर मार्केट है, नॉर्मली जैसे हर मार्केट में होता है ना, वैसे यहाँ पर भी बना हुआ है। और नीचे काफ़ी सारा फ्राइडे होने की वजह से कस्टमर्स है। तो गाइज, आप जैसे ही यहाँ पर अंदर आएंगे ना, तो यहाँ पर फिलिपिनी शॉप्स मिल रहे हैं फूड से रिलेटेड। तो ये जितना भी आइटम है सब फिलिपिनी फूड ये ऐसे कुछ होते हैं, तो यहाँ पर ये सेल हो रहे हैं, बिक रहे हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया में इंडियन फूड होते हैं, वैसे ये फिलिपिनी फूड रहते हैं। ओके गाइस, सो अभी हम लोग ये जो कबायन मार्केट, तो इससे अभी हम बाहर आ गए। इसमें भी नॉर्मली वैसे ही सब चीज़ें हैं जैसे हर मार्केट में होती हैं, कुछ भी अलग नहीं है। सो गाइस, आपको मालूम होगा अगर आप यहाँ पर कुवैत में रहते हैं ना, तो आपको ये मालूम होगा कि कुवैत में अभी एक बिग सी हाइपर मार्केट खुला था, वो सालमिया में यहीं पर खुला था। तो अभी आज मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ जब से ये खुली मार्केट, तो अभी मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और इसी के साथ में जितनी भी और भी बड़ी मार्केटें हैं ना, उनकी सबकी ब्रांच यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर वो बर्गर किंग हो गया खाने के लिए, या फिर इसके आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर ग्रैंड है पर जो मार्केट है ना, उसकी भी एक यहाँ पर ब्रांच है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर हर मार्केट की जो है यहाँ पर एक एक ब्रांच आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, सो आज का ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर कुवैत से रिलेटेड कोई और आप जगह देखना चाहते हैं, अगर आप कुवैत में रहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके जब बताना, मैं उस जगह को एक्सप्लोर करने ज़रूर जाऊँगा। और चैनल को अगर यार आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक व्लॉग आपको मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे यार फॉलो कर लेना अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में किसी और नई लोकेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।